study about the third chapter of the world politics of class 12, and the chapter name is US hegemony at the world politics. जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ा था तो कि किस तरीके से कोल्ड वॉर हुआ, ठीक है, देन कोल्ड वॉर के बाद जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन जो हुआ, अब हमें इसमें पढ़ना है जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका था तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड में कंडीशन क्या थी, हेजेमनी किसकी थी और कौन सी सुपर पावर राइज हो रही थी, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नॉर्मली सिंपल से आप समझ गए कि भाई चैप्टर का नाम ही यूएस हेजेमनी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि यूएस ने अपनी जो हेजेमनी है किन किन तरीके से अलग अलग लेवल पर बढ़े, ठीक है। चैप्टर के स्टार्टिंग में नॉर्मली तीन एग्जांपल हैं, एक तो नॉर्मली अपने आयशा, जाबू और एंड्री। आयशा का जो एग्जांपल आप पढ़ोगे उसमें नॉर्मली एक मिलिट्री अटैक हुआ बगदाद में, ठीक है, जिसमें जो अमेरिका उसकी मिलिट्री हेजेमनी के बारे में बताया गया है। दूसरा जो एग्जांपल है जाबू, जाबू जो है उसके पेरेंट्स उसे एमबीए करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको वहां पर ये दिखाया गया है कि उस एग्जांपल के द्वारा यहां पर अमेरिका की यूएस की जो है इकोनॉमिकल हेजेमनी शो की जा रही हो। और लास्ट एग्जांपल में एंड्रिया जो एक ब्लू जींस के ऊपर एक एग्जांपल दे रखा है जो कि उसकी कल्चर हेजेमनी को शो करता है। तो ये तो था एग्जांपल, अब हम एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं बाय क्या क्या कंडीशन थी, क्या क्या कंपोनेंट्स थे यूएस हेजेमनीज के। स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हुई है, जो बिगिनिंग है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब एक ऐसा ऑर्डर क्रिएट हुआ आफ्टर डिसइंटीग्रेशन के बाद कि उसके ऊपर धीरे धीरे इकोनॉमिकली कल्चरली और बाय मिलिट्री या हार्ड पावर अमेरिका की जो हेजेमनी एस्टैब्लिश होने लगी। सब एकदम से बहुत सरप्राइज थे कि जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ कि भाई इतनी बड़ी सुपर पावर वर्ल्ड की वो एकदम से कैसे कोलैप्स हो गई, ठीक है। और सिंपल सी बात है, यूएसएसआर कोलैप्स हुई तो सिंपल सी बात है एक ही सुपर पावर बची पूरे वर्ल्ड में। एक ही सुपर पावर बचने को नॉर्मली यहां पर मैं टर्म आपका क्लियर कर दूं, उसे कहते हैं यूनिपोलर, ठीक है। यहां पर जो पूरे वर्ल्ड में क्या होगी, एक ही पावर होगी, इसे बोलते हैं नॉर्मली यूनिपोलर, ठीक है। आगे बात बोली गई है, कहा गया है कि भाई यूएस की जो हेजेमनी है 1991 में स्टार्ट हुई थी जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई जो यूएसएसआर यूएसए की जो हेजेमनी थी नॉर्मली 1945 से ही स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि 1945 में अपना क्या हुआ था, 1945 में अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये माना जाता है कि भाई जो यूएसए है अपनी हेजेमनी 1945 से ही बढ़ा रहा था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, मतलब क्लियरली नहीं दिखा रहा था उसे कि हाँ मैं अपनी हेजेमनी बढ़ा दिखा रहा हूं। दूसरी बात, यूएस डिड नॉट बिहेव हेजेमनी एट इट्स क्लियर, वही बात मैंने समझाई आपको, ठीक है। अब हमें समझ लेंगे भाई यूएस ने अपनी हेजेमनी कैसे बढ़े, उसका प्रोसेस अब हम समझेंगे, ठीक है। पहले यहां पर एक कंडीशन दे रखी है जिसे हम नॉर्मली यहां पर फर्स्ट गल्फ वॉर कहते हैं, या उन्होंने यूएनओ ने इस कंडीशन को, इस इवेंट को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, नॉर्मली 1990 में इराक ने कुवैत के ऊपर इन्वेड कर लिया था, क्या हुआ था, जो इराक था उसने कुवैत के ऊपर इन्वेड कर लिया 1991 में, ठीक है। इसके अलावा होता क्या है, नहीं सॉरी गलती हुई, 1990 में इन्वेड कर लेता है तो होता क्या है, यहां पर जो इराक होता है वो कुवैत को अपने कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पर कई कंट्री इसके साथ डिप्लोमेटिक वार्ता करती है, मतलब राजनीतिक तरीकों से लीडर बात करने की सोचते हैं कि भाई कंट्रोल हटाओ अपना, लेकिन वो कुवैत के ऊपर से कंट्रोल ईरान अपना नहीं हटाता है। लेकिन आखिर में होता क्या है, सारी बातचीत होने के द्वारा भी कुछ सोल्यूशन ना निकलने पर एट दी एंड यहां पर जो यूएनओ होता है वो क्या कहते हैं, डिसीजन लेता है कि भाई इसके ऊपर किया जाएगा अटैक, ठीक है। देन एट दी एंड होता क्या है कि इराक के ऊपर करीब 34 कंट्रीज की मिलिट्री मिलकर अटैक करती है, जिसमें करीब 75% जो मिलिट्री होती है अपने अमेरिका की होती है। यहां पर जो मिलिट्री थी करीब 6.5 लाख मिलिट्री थी, जिसमें करीब 75% जो मिलिट्री थी अपनी अमेरिका की थी, ठीक है। इस टाइम एक इवेंट, एक चीज और फैक्ट याद रखना है आपको कि भाई इस टाइम इस इवेंट के दौरान यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे, यूएस के प्रेसिडेंट इस वक्त HW Bush थे, ठीक है। यहां पर कहा गया है इसको नॉर्मली फर्स्ट गल्फ वॉर कहा, लेकिन यूएन ने यानी यूनाइटेड नेशन ने इसको कुछ और ही बोला, इसलिए बोला ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है। इसके द्वारा हुआ क्या था, फर्स्ट गल्फ वॉर को नॉर्मली एक तरह से एक चीज और शो हो गई थी फर्स्ट गल्फ वॉर के द्वारा कि भाई अभी पूरे वर्ल्ड में
अदर कंट्रीज के कंपेरिजन अमेरिका बहुत आगे है आर्मी और टेक्नोलॉजी में, ठीक है, क्योंकि और कंट्रीज इसकी इतनी बराबरी नहीं कर सकती है। इसके अलावा सम से अमेरिका यूज स्मार्ट बॉम्ब्स, कुछ उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है स्मार्ट बॉम्ब्स यूज कर रहा था, ठीक है। और दूसरी बात, जो वक्त जब ये वॉर हुआ था तो इसकी पूरी वीडियो कवरेज हुई थी, तो इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा गया, ठीक है। ये तो पहला इवेंट। अब क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ इससे अमेरिका को? बेनिफिट ये हुआ कि यूएस रिसीव मोर मनी फ्रॉम जर्मनी, जापान एंड सऊदी अरब देन इज स्पेंट ऑन वॉर। यूएस को नॉर्मली मनी मिली थी जर्मनी, जापान और सऊदी अरब से, ताकि वो इस मनी को अपने इस वॉर पे स्पेंड कर सके, ठीक है। ये तो था स्टार्टिंग पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं इस चैप्टर का, क्लिंटन ईयर्स की बात करते हैं। नॉर्मली अभी तक हमने वो जो पढ़ा 1990 का इवेंट जो है, उस टाइम एच डब्ल्यू बुश थे अपने प्रेसिडेंट। आप कौन आ जाता है यहां पर? क्लिंटन आ जाता है प्रेसिडेंट बनकर। कब? क्लिंटन जो है आ जाते हैं अपने 1992 में प्रेसिडेंट बनकर, ठीक है। देन होता क्या है यहां पर, हाँ पार्टी बताता हूं आपको। क्लिंटन जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से, ध्यान रखने नंबर क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा यहां पर बोला गया कि जो क्लिंटन थे वो नॉर्मली बाहर की कंडीशन को छोड़ के, यानी बाहर के मैटर को छोड़ के इंटरनल मैटर यानी डोमेस्टिक पॉलिसीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, ठीक है। दूसरी बात, अगेन ही वोन द वोट इन 1996, वो 1992 में तो वोट जीते ही थे, इसके अलावा 1996 में भी वोट जीत गए, ठीक है, प्रेसिडेंशियल वोट। इन क्लिंटन ईयर इट सीम्स द यूएस विथड्रॉ इट्स इंटरनल अफेयर एंड नॉट फुली एंगेज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये कहा गया था कि भाई क्लिंटन ईयर्स के दौरान जो यूएस था उसने अपने जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई एंगेजमेंट नहीं दिखाई, ठीक है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, वो सिर्फ अपने अंदरूनी मैटर्स में ही तभी सीमित रहा था, ठीक है। इन्होंने नॉर्मल सॉफ्ट इश्यूज पे फोकस करा था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, इन्वायरमेंट, और इसके अलावा उन्होंने कोई हार्ड टॉपिक्स पे कोई ज्यादा फोकस नहीं करा, ठीक है। अब इसके अलावा होता क्या है, ये भी देखा गया कि भाई क्लिंटन ईयर्स के दौरान जो रेडीनेस थी यूएसए की मिलिट्री पावर को यूज के लिए वो भी बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा लेकिन होता क्या है, 1999 में एक इवेंट होता है, छोटा सा कंफ्लिक्ट था कोसोवो में अल्बानियाज पॉपुलेशन को लेकर, ठीक है। हुआ कि कोसोवो में एक जगह यूगोस्लाविया, वहां पर एक प्रोटेस्ट हो रहा था, किसके अगेंस्ट, वहां पर जो था अल्बानियन पॉपुलेशन का ज्यादा डोमिनेंस जम रहा था, ठीक है। तो वहां पर भी इस कंफ्लिक्ट को सॉल्यूशन करने के लिए वहां पर कंट्रीज ने, आसपास की कंट्रीज ने बोला कि बातचीत के द्वारा बट वोकली तुम बात सुलझा लो, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं करा। एट द एंड वहां पर भी नाटो ने जाकर, नाटो वहां गया और वहां पर उसने बॉम्बिंग करी करीब 2 महीने तक। कितने महीने तक? 2 महीने तक उसने वहां पर जाकर बॉम्बिंग करी, तब जाकर पूरा जो मैटर था सॉर्ट आउट हुआ। और एट द एंड जो वहां की गवर्नमेंट थी, स्लोबदंस की जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई और नॉट टोटली कंट्रोल जो अल्बानियंस पॉपुलेशन के ऊपर अपने नाटो का आ गया। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मली ऑपरेशन इनफाइनाइट रेज के बारे में, ठीक है। हुआ क्या था नॉर्मली, ये भी क्लिंटन ईयर्स के दौरान की घटना है। 1998 में अपने जो यूएस की एम्बेसीज थी उनके, वो एम्बेसी कहां थी? केन्या और तंजानिया में यूएस की एम्बेसीज थी। इनके ऊपर नॉर्मली क्या होता है, अलकायदा नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, और भी अटैक आएगा तो उसको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। यहां पर हमारे जो बिल क्लिंटन थे प्रेसिडेंट, उन्होंने ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रेज चलाया। ये कहां कहां चलाया नॉर्मली, इन्होंने क्या करा, जितने भी अफगानिस्तान और सूडान के अंदर अलकायदा के रिजाइंस थे, मतलब जितने भी क्षेत्र जहां पर लगता था कि भाई यहां पर अलकायदा का स्टे है, तो वहां पर उन्होंने वहां पर अटैक करवाया, ठीक है। दूसरी बात, अब बात करिए यहां पर ये बोला गया है कि अमेरिका को कोई टेंशन नहीं थी, उसने यूएन से परमिशन तक नहीं ली थी। यहां पर ये बात इसलिए बोली गई, क्या हुआ था मैंने आपको बताया था कि भाई 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उसी टाइम यूएनओ का
ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। यूएन को ऑर्गेनाइज इसलिए किया था कि कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई कंफ्लिक्ट होता तो पहले वहां लेके जाना है, एकदम से लड़ाई नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने इससे ना कोई परमिशन मांगी और ना यूएनओ की कोई बात मानी, उसने डायरेक्ट इस पे अटैक करवा लिया, इस पे सूडान और अफगानिस्तान, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि भाई इस घटना में उसने अमेरिका ने कई सिविलियंस पे भी अटैक करवाया जिनमें जिनका कोई टेररिज्म से ताल्लुकात नहीं थे, ठीक है। ये तो था ऑपरेशन अपना इनफाइट नाइट रीच। अब मेन इवेंट जो है वो है इवेंट है अपने 9/11।